हेलो 460001। हाँ दिव्यनाथ चटर्जी का घर जी। आप कौन? मिसेस चटर्जी। मिसेस दिव्यनाथ चटर्जी जी, आप कौन? घर पर कोई आदमी नहीं है क्या? सो रहे हैं इस वक्त। प्रति चटर्जी से आपका क्या रिश्ता है? बेटा है मेरा। आप कौन बोल रहे हैं? बेटा कांतापुर को आ जाइए, शनाख्त करनी है जी। प्रति चटर्जी की पहचान करनी है, कांतापुर को आ जाइए फौरन। आप तुम्हें ठीक याद है कांता पुकुरी कहा था? नहीं, बोला क्या था एग्जैक्टली? जल्दी आ जाओ, व्रति की पहचान करनी है। ज्योति कार निकाल। नहीं, अपनी कार नहीं। क्यों? कांता पुकुर मेरी कार नहीं जा सकती है। वहां कारें नहीं जाती। मुझे जरूरत है उसकी, चौधरी के पास जाना है। तुम दत्ता को फोन करो, कहो कि तुम उसके पास ही क्यों नहीं चले जाते। क्यों ज्योति, व्रति के पास जाना है। देखो अभी भी वक्त है, तुम्हारी मदर इन लॉ का कोई रिश्तेदार है ना पुलिस में जी, तो फोन करके देखो क्या किया जा सकता है। तुम चौधरी से भी बात करो, आखिर उसने तो हमें आगाह किया था, वो इस मामले को दबाने में हमारी मदद जरूर करेगा। क्या आगाह किया था, क्या दबाना है? सुजाता एक मिनट, फोन करो, वक्त बर्बाद मत करो। ज्योति मुझे साफ साफ बता, मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम लोग? ये कांतापुकुर क्या है? एक मिनट, कांतापुकुर नाम है, जगह है पुलिस मोर्ग, राशि रखते हैं वहां। कौन जाएगा उसके पास वहां? हम चलेंगे, थोड़ा सा रुक कर। और रुक कर आइए। चैटर्जी नंबर 1084 1084।
देखने को क्या रह गया है माजी, चेहरा तो बचा ही नहीं। आपको लाश की शनाख्त करनी है, कोई निशानी याद है? यह आपका बेटा प्रति है, आप अच्छी तरह पहचान रही हैं? प्लीज शब्दों में कहें। हाँ। कोई निशानी? गले पे बाईं तरफ एक तिल है। देखो चेक करो। है। लाश को ढक दो। सहयोग के लिए धन्यवाद मिसेस चटर्जी। तुली मुझे इसे घर ले जाना है। नहीं, आप इसे कहीं नहीं ले जाएंगे। मुझे इसे घर ले जाना है। आई एम सॉरी मिसेस चटर्जी, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को अपने नहीं, लाश को आपके हवाले नहीं किया जाएगा। पर मैं अपनी नहीं, आपको बॉडी नहीं दी जाएगी। और इसका बंदोबस्त हमने कर लिया। नाउ इफ यू प्लीज मिसेस चटर्जी, हम वो काम अभी शुरू करेंगे। क्या मतलब? उसका दाह संस्कार हम इसी वक्त करेंगे। लेकिन आई एम सॉरी मिसेस चटर्जी, हमारे पास वक्त नहीं है। सिर्फ चार नाम है, रति का नहीं है। इन्हें कितनी तसल्ली है कि प्रति का नाम कहीं किसी अखबार में नहीं आया। मौत हुई पर खबर नहीं बन पाई, ये इन दोनों की दौड़ धूप का नतीजा है। प्रति के पापा और भाई जो उसे देखने कांता पुकुर नहीं आए, कहीं उनकी गाड़ी पुलिस लाश घर के आसपास न दिख जाए, कहीं इन्हें अपने बेटे से जोड़ना बैठे। सो 1084 गुमनाम रहा, अतीत में गया पर अंकित न हुआ। वैसे बाप बेटे की आपस में कभी बनी भी नहीं। वो सोचते कि व्रती अलग है, दूसरी तरफ है। उसके पिता हमेशा यही कहते, तुम ही ने प्रति को मेरे खिलाफ खड़ा किया है, भड़काया है उसे, बना दिया मां का लाडला और बाप का दुश्मन। पर ये सच नहीं था। मैं भला अपने बेटे को पिता के खिलाफ क्यों भड़काती? लेकिन हाँ, पिछले 2-1 साल से वो अपने बाबा की किसी भी बात से सहमत नहीं होता था। जो शख्स त्रिवेना चटर्जी के नाम से जाना जाता है वो मेरा दुश्मन नहीं है और ना ही मेरी उनसे कोई लड़ाई है। तू परेशान मत हो मां। प्रति मुझे तो सुलझा सा जवाब दे देता, पर बाबा से उसकी झड़प ज्यों की त्यों बनी रही। कुछ था
जिससे वो तिल मिला जाता। मेरे दोस्त क्रिमिनल्स नहीं है, वे सब मेहनती और ईमानदार घरों से हैं। उनमें से एक के पापा की कॉपी और पेंसिल की दुकान है, यहीं से थोड़ी दूर। कभी चलिएगा, कार में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरे के फादर ही नहीं है, सिर्फ माँ है, वो भी बीमार रहती है। लेकिन उनमें से कोई भी चोरी या बेईमानी करके या रिश्वत देकर अपना कारोबार नहीं चलाता। तुम जा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाकर आराम करो। तो तुम्हारे दोस्त चोरी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, रिश्वत नहीं देते, वगैरह वगैरह, ये सब कहने की बातें हैं, अपनी नाकामयाबी को जस्टिफाई करने के लिए बड़े बड़े अल्फाज हैं। बस सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक चोरी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं और रिश्वत भी देते हैं। रिश्वत का पैसा सिस्टम में घूमता रहता है और इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान तो होता है बाबा, सारा सिस्टम सड़ गया है, लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया है। कौन लोग? वो जो इतने कम अकल हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते। देखो, मेरी सलाह है कि उनके साथ तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। यू आर अ नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रॉम अ डिग्निफाइड एंड कल्चरल फैमिली ऑफ कलकत्ता। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे लगता है जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ मेरे दोस्तों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी तरह मुझसे कम नहीं है। रेवोल्यूशनरी थिंकिंग, भूखे पेट क्रांति नहीं होती और पुलिस की गोलियों से किसी का पेट नहीं भरता। देखो भ्राती, हमारी फैमिली में आज तक कभी भी कोई फेल नहीं हुआ। स्ट्रगल करनी पड़ती है लेकिन कामयाबी हमेशा मिली है, सक्सेस। रिमेंबर माय बॉय, वेल्थ इज द मदर ऑफ ऑल हैप्पीनेस इन लाइफ, रिमेंबर दैट थिंग। कुछ बातें हैं जिन्हें वे भाव देते हैं, इस तौर तरीके को वे थामे हैं, उनकी सोच, उनका रवैया, मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूं। और सिर्फ वही नहीं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनका नजरिया भी यही है। एक क्लास है जो इस सोच, इन वैल्यूज, इन एटीट्यूड्स को कायम रखती है। मैं उसी के खिलाफ हूं और बॉस भी इसी क्लास का एक हिस्सा है। क्या क्लास, क्या वैल्यूज, रवैया, ये सब उलझी हुई बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। तो तुम समझना क्यों चाहती हो मां? अरे क्या करूंगी समझकर। और देखो ना, तुम्हारे इन बातों में ये बटन टांकना भी रह गया। बटन टांकना नहीं रह गया, ये लो। तुम कुछ बदलते जा रहे हो ब्रति। कैसे? पहले जैसे नहीं रहे। आँख, कान, नाक, बाल सब वही तो है, तुम भी मां। और अंदर से तुम्हारा मन? मन? अभी 2 दिन भी नहीं हुए और व्रती की हर चीज, हर तस्वीर को यहां से हटा दिया गया है, जैसे वो कभी यहां रहा ही नहीं। ऐसा क्या किया था उसने जिसकी वजह से सब लोग अपराधी सा महसूस कर रहे हैं, जैसे शर्म आ रही हो उन्हें व्रती का नाम लेते हुए भी। कब तक? कहिए मिस्टर चटर्जी। एक मिनट मां। माफ कीजिए, मैं बेवक्त आ गया। मिस्टर चटर्जी घर पर नहीं है? मैं आपका दुख समझ सकता हूं, मेरी भी मां है। मैं जानता हूं मैं आपका दुख और बढ़ा रहा हूं, बट ड्यूटी इज ड्यूटी। इफ यू डोंट माइंड
मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। आपके पास आपके बेटे की कोई पर्सनल डायरी या नोटबुक है? किसी दोस्त का नाम, पता? किसी के घर खास आना जाना? एक बचपन का दोस्त है रोनू, उसे मिलकर तो उसे 6 महीने हो गए। मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मेरा मतलब था उन लोगों से जिनके साथ वो इन अनलॉफुल एक्टिविटीज में शामिल था। मुझे नहीं मालूम। देखिए मिसेस चैटर्जी, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि वो कितने बड़े मुजरिम हैं। दे आर अ गैंग, जिसे वो पार्टी कहते हैं, बट दे आर क्रिमिनल्स एंड वी मस्ट नैप देम। इट्स योर ड्यूटी टू हेल्प अस। मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूं, बताइए कहां उसका कमरा। कहीं एक लहर उठी है, वो चांद को छू लेना चाहती है, चांदनी में खो जाना चाहती है, इसे ये कर्कश जमीन खींचती है, चट्टानों से बांधती है। कविता भी लिखता था। मैं ये ले सकती हूँ? नहीं, सिर्फ कविता है। उसकी हर चीज अब पुलिस कस्टडी में है, एज क्रिमिनल एविडेंस। आपको बुरा लग रहा है? आप उसकी परवरिश ठीक तरह से नहीं कर पाए, वरना वो एक गुंडा कैसे बन जाता। मिस्टर पार्क, प्लीज लिसन टू मी। देखिए, हमारा ऐसे एंटी सोशल ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है। जो हो गया उसे आप भूल जाइए। प्लीज, लड़का कैसे गलत संगत में पड़ गया था। आप समझ नहीं रहे, ये मामला ऐसा नहीं है जो दबाया जा सकता। सब कुछ आपके हाथ में है। राजनीतिक केस है, टोटली पॉलिटिकल। आप चाहें तो सब कुछ यही खत्म कर सकते हैं चुपचाप। प्लीज मिस्टर पार्क, आई एम सॉरी मिस्टर चटर्जी, आई कांट प्रॉमिस यू, बट आई एम श्योर यू विल ट्राई। इतना सब रखा था प्रति तुम्हारे इस कमरे में, तुम लाते थे ले जाते थे और मुझे कुछ भी पता नहीं। हाँ, तुम अकेले यहां घंटों बैठे रहा करते थे, तब भी मुझे कुछ नहीं लगा। सिर्फ यही कि तुम्हारी उम्र के लड़के अक्सर अपना एक अलग कोना ढूंढ लेते हैं। क्या तभी से तुम पर खतरे का साया गिरने लगा था?
तुम जानते थे इसलिए अलग अलग रहने लगे थे, पर मुझे भी इसे पूछ लेना चाहिए था। मैं तुम्हारी माँ, कैसी माँ, अंधी बहरी माँ जिसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, बस तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर मुस्कुराती रही, आराम की नींद सोती रही। उस रात भी तुम्हारी आखिरी रात, इस मां को कोई झटका नहीं लगा, कोई सपना नहीं आया कि उसका बेटा, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। वो सोई पड़ी रही जब तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा था, मुझे कैसे पता नहीं चला, कैसे नहीं। बेटा आओ, बैठ। कहाँ रहता इतनी देर तक? अरे तुम बैठो तो फिर मैं बताता हूँ कहाँ रहता हूँ, सब समझा दूंगा, बैठ। थैंक यू, थैंक यू। बादाम डाले हैं? बादाम प्रति माँ, हेम के हाथ का दूध इज जस्ट डिवाइन, डिवाइन। प्रति जानता है बाहर कितना अनसेफ है, कहाँ रहता इतनी देर तक? अरे अभी हम जवान है माँ, यंग ब्लड, वी हैव टू पेंट द सिटी रेड, सारे शहर को सुर्ख बना देना चाहते हैं, जैसे लाल गुलाब, लाल क्रांति, लाल लहू। हमें तो शहर को अनसेफ बनाना चाहते हैं, खतरनाक, खौफनाक, ताकि सब डर जाए, घर घर कांपे जिन्होंने आज तक हमें डरा रखा है। सच सच बता, बात क्या है? सचमुच सच जानना चाहती हो व्रती? तो ठीक है मां, आज सच को हाजिर हो जाने दो, ध्यान से सुनना मां, सच सच मेरा बयान। मैंने एक सपना देखा है मां, कोई छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा क्रांति का सपना, सब कुछ उलट पुलट कर देने का, सब कुछ बदल डालने का सपना, ये फिजा, ये समाज, ये दुनिया, ये जहां। घूम कर देखो अपने आसपास, ये गली, ये कूचा, ये कुटन, ये अन्याय, ये करप्शन, ये एक्सप्लॉयटेशन, ये भूख, ये पॉवर्टी, ये बीमारी, ये गंदगी। अंधकार में भटकता जीवन रोशनी को तरसता, मैंने उसे रोशनी देने का सपना देखा है मां। मैं ऐसे दोस्तों के साथ मिला हूं जिनका भी यही सपना है, और वो ये क्रांति के जरिए पूरा करना चाहते हैं, एक 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 नई दुनिया बनाना चाहते हैं, ए वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी, पीस, जस्टिस एंड डिग्निटी टू एवरीवन। ये तो हो गया नाटक, अब बता सच क्या है? आज तेरा दिन नहीं है प्रति चैटर्जी। एक आइडिया है मां, मिडनाइट पिकनिक हो जाए। क्या? जस्ट यू एंड मी, क्या ख्याल है? तुम्हारी हर धड़कन मुझे महसूस होनी चाहिए थी, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों मैं तुम्हारी मुस्कान में ही खोकर रह गई, और मजाक में जो सच तुम बता रहे थे उसे देख नहीं पाई, समझ नहीं पाई। Oh,
ये सोमू मंडल का घर। आगे बाएं मुड़ जाइएगा गली में, किसी से भी पूछ लीजिएगा। मैं प्रति की माँ। अल्लाह गया रे, बिटिया कहत रही अत्रो माई रोने से का हुआ जा, कहते तो हर्षा तो हम है, पार्थो की माँ का सोच उका एक बिटुआ इन लोगों ने मार डाला और उका छोटा भाई घर से भाग गया, बस छूट गया घर, अपना घर परदेश हो गया, अपने घर में पग नहीं धर सकत। ये लोग ये लघु की ताक में है, घर आया नहीं कि बस मौत मिली नहीं। हजारों लड़ी का मारे मारे फिर रहा है दीदी, का कहे, जड़ गया घर, बर्बाद हो गया, सब बेघर हो गया। सोचा नहीं जाता है। लेकिन अब तो जरा शांत है। कहाँ, अब तुम ही बताओ है, जब माँ की छाती पे चिता भबक रही हो तो कोई माँ कैसे चुप बैठे। ये बिटिया ट्यूशन करे थे, जल जल झुलस रही है, लेकिन इनके पैसे से दो जने का भी पेट भरना मुश्किल हो जाता है। अभी को कहा कहे, हम तो जिंदगी भर समुआ समुआ करते रहे, उनका पढ़ाई लिखाई देखी, घर का बड़ा लड़का है, आगे जाके माँ बाप को देखेगा, घर बार चलाएगा, बहनों की शादी करेगा, लेकिन वो तो बीच भवन में छोड़कर हमको चला गया। बुढ़ापे में ऐसी लात मारे की कमरिया ये टूट गई। अग्नि तो वो देता हमारी चिता पे, नीना खान की भाग देखो, इनके सामने उन्हें आग ले लिए। सब कहते हैं मत रो माई मत रो, पर
मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? तो हर बिटवा दीदिया अपनी जिंदगी दान में दे रही है। उस दिन एक घर का भाग ही फूटा रहा, कहा पता ये होनी बंधा ही था। मैं यहीं बैठी थी कि वो मासिमा, शोमू कहाँ है? क्या टाइम रहा होगा? सांझ की दियावती लगाई के देवी माता के सामने हाथ जोड़ रही थी। उसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। वो पास वाले बस्ती में गया है विजित और बाकी लड़कन को बुलाने के लिए। आजा, आज सब यही माँ के हाथ की रोटी खाएंगे। लो आ गए। अब जितना चाहे बतिया लो। हाँ, तुम लोगों को बस्ती में किसी ने देखा तो नहीं? क्यों, तुम लोगों को बस्ती में वापस नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम लोग आगा तो नहीं। मैं चलता हूँ। काहे जा रहे हो? रात को यहीं रुक जा। बस्ती के लड़कन को मार रहे हैं। हाँ, अजनबी को देखेंगे तो पीछे ना पड़ जाएंगे। चारों आपस में खुसर फुसर करत रहे, इससे पूछा गई कि कुछ गड़बड़ है। सबके दिल में धक धक करत रहे मगर दिखावत कोई नहीं रहे। तुम्हें मालूम हो गया था क्या? कहाँ पता था दीदिया, पता होता तो प्रति को काहे रोकते। जाने दे तो कहा पता, होनी डल जाती। खाना वाना खिलाई के ये फटी पुरानी चटाई बिछाई दिए। कहा? यहाँ इसी कमरे में। अब गरीबन के पास टूटी फूटी छत के अलावा और है ही क्या? यहाँ रुका था प्रति, इस छत के नीचे बिताई आखिरी रात उसने। इस कमरे के फर्श पर उसे आराम मिला। सू पार्थो विजय प्रति चारों एक साथ लेटे रहे। आंखों के सामने अब भी घूमता है, कानों में अभी भी सुनाई देता है उनका बोलना, उनका हंसना। बस समूह के बाबा बहुत परेशान रहे वो दिन। लगता है कि बाहर बहुत खतरा है। क्यों, क्या हुआ? ये लोग कब आए यहाँ? शाम को। अभी हम आ रहे थे तो गली के किनारे कुछ लोग बातें कर रहे थे। हमें लगता है कि इन लोगों को चले जाना चाहिए। वो जाने गए कि शायद बस्ती की हवा कुछ ठीक नहीं है, पर काहे का? सज्जन आदमी रहे, किसी को ऊंचा ना बोले, बेईमानी के दो पैसा भी घर में नहीं लाए। बहुत नेक रहे बिचारे। बस दीदिया, वो और हम पलके ना बंद हुए, हम दोनों की छन छन गिनते रहे रात भर। मसीमा, नींद ही नहीं आ रही। वैसे अगर हम सो गए ना तो आप 3:30 बजे से पहले हमको जगा दीजिएगा, पक्का। और वो मुस्कुराती है, इतनी परेशानी में भी मुस्कुराती है। मुझे उनका खिला खिला चेहरा नहीं भूलता, खिला खिला चेहरा, खुली हंसी, घर भर पड़ जाता था। क्या प्रति यहाँ अक्सर आया करता था? हाँ। अजीमा, एक प्याली चाय का चांस है? लगता है चीनी सस्ती हो गई है माशिमा, आधा कनस्ता मेरे ही प्याले में घोल दिया आपने। माशिमा, कितना लूटा हो गया माशिमा? माशिमा, गर्मा गर्म सिंगाड़ा। पानी दो ना माँ, कितनी बार मांगू सुनती नहीं हो क्या? सोमू जब भी बोले रूखा ही बोले, उसका दिमाग अखड़ रहा। अब जिनके पास कुछ ना होए, हर कोई चलते फिरते दुलत्ती मार जाए, उसकी चमड़ी तो सख्त हो ही जाते, घोड़े की खान, मन भी ठीक।
लेकिन तुम्हार बिटवा बहुत ही कोमल रहा, जब भी आया खिला रहा। कांता पुकुर में 5 थे, सिर्फ 4 के बारे में ही बताया है। 5वां लाल टूरा, उसी रात बस्ती के लोगों ने उसके घर से घसीट कर सड़क पर पटक दिए। लालटू की माँ किस्मत वाली रही जो लालटू से पहले ही जा मरी। लालटू इधर उधर घूमता रहा, बहुत ही दिलेर और होनहार बच्चा था। बस्ती का कोई भी अच्छा काम हो, लालटू सबसे पहले समूह और विजित को वही समझात बुझात रहे। करीबन की हालत तो देख ही रहे हो, कोई हाथ पे हाथ धरे कैसे बैठे, फिर खून क्यों ना खोले। सब कहे मिली के देख लेंगे। ये लड़के यहीं के थे? हाँ, कोई ये बस्ती का कोई वो बस्ती का, सभी आसपास ही रहे। मैं इनमें से किसी से नहीं मिली, प्रति ने कभी घर ही नहीं लाया, शायद इसलिए मैं घर में होती कब हूं। बैंक की नौकरी है ना। मीना बुझाती दीदी यार, तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, अपनों घर में अच्छा खाना पीना कपड़ा लत्ता सबे है, फिर प्रति काहे इस दिशा में गया। तुम्हें खबर तो रही होगी वो कहां जात है कहां करत है। मुझे नहीं मालूम, उसने ये सब के बारे में कभी बात ही नहीं की। हेलो 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 हेलो, फिर कट गया। अरे तू दीघा जाकर वापस भी आ गया? हाँ, वहाँ आप काम पे गई और इधर हम घूम घुमा कर वापस घर को आए। और फिर सारा दिन कहीं बाहर नहीं निकले, बस फोन के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे जैसे कोई देख ही ना रहा। शायद किसी खास फोन का इंतजार था। अच्छा छोड़ो ना माम, यूं ही कह रही है, भाभी की बातें भी। चाय पियोगी? एकदम गर्म है, गुनगुनी गर्म। हेम एक कप लाना। हाँ, गुनगुनी गर्म चाय का बहाना करके छुपा लो, लेकिन हमें मालूम है किसके फोन का इंतजार। कम ऑन भाभी। अच्छा बता, दीघा कैसा रहा? दीघा भी कोई जगह है, ना ढंग का खाना मिलता है ना रहने को ठीक सा ठिकाना। पर मेरी मौसेरी बहन वहाँ जा चुकी है, उसने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की। क्यों करेगी, तुम्हारी मौसेरी बहन जो है। जैसे तुम उसे जानते ही नहीं, वो तुम्हारा दोस्त है ना दीपक, उसी के साथ तो टेनिस खेलती है। पहचानते नहीं तो तिरछी निगाह से देखा तो जरूर होगा। लो, मैं क्यों देखने लगा भला? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। तुम उसे भी जानती? से बाहर निकलने की जल्दी पड़ी रहती और कहने को काम है काम। हाँ, और कोई तो काम करता ही नहीं ना। काम तो होता है ना माँ। अरे बाप रे, अभी से इतना सारा काम, जब अपने भैया की तरह असली काम करने लगोगे तब क्या हाल होगा तुम्हारा। तो मेरा काम क्या नकली है? वो तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, नंदिनी के साथ गपशप लड़ाना बहुत बड़ा काम है। मैं ऐसा करता हूँ ये किसने कहा? मुझे किसी से पूछने की जरूरत है, नंदिनी का फोन उठाता कौन है? उसी का। हेलो हेलो हेलो। ओहो, फिर कट गया। अरे हेम, बारिश के लिए दूध देना तो नहीं भूल गए? जैसे सिर्फ आप ही को याद है सब। चलो माँ, ऊपर चलकर लूडो खेलते हैं। चलो ना। ये नंदिनी कौन है? क्यों? कॉलेज में पढ़ती है मेरे साथ। मिलाएगा नहीं मुझसे? बहुत सादी है, सांवली। तुझे तो पसंद है ना? बॉस को पसंद नहीं आएगी। कब मिलवाएगा मुझसे? मिला दूंगा माँ। तुम्हें मालूम है
बॉस रोज 5 बजे के बाद कहाँ जाते हैं? और भी हैं तुम्हारे पास मेरे सिवा? मतलब तुम भी जानते हो और मैं भी। डोंट बी सिली प्लीज। जानती हो वो कहां जाते हैं रोज? प्रति तेरी बारी। क्या रखा इन बातों में? मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूं नमा। बिल्कुल नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत दुख देता हूँ। दादा निपा तुली इन सब से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। तुझे लगता बहुत है, मुझे कुछ सहना वहना नहीं पड़ता। क्यों? मेरे लिए जो तुम्हें ताने सुनने पड़ते हैं? तो क्या हुआ, इतना क्यों सहती हो माँ? पहले तकलीफ हुआ करती थी, हर बात चुपती थी, अब नहीं। तेरे आने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। तू मेरे पास है ना? अच्छा बोल, कल क्या खाएगा? क्यों, कल क्या बात है? रात के 12:30 बजे मेरे गोद में आया था, यानी आज रात और तारीख के हिसाब से कल। अच्छा तुम्हें ये जन्मदिन वगैरह कैसे याद रहते हैं? कैसे नहीं याद रहेंगे, मरते मरते बची थी तेरी बारी में। मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गई। हेम के लिए भी नई साड़ी लाई। अरे अरे हेलो, हाँ बोलो बोलो। क्या फुल बस्ती में वापस आ गए? सुनी बातों पे सब लोग, लेकिन क्यों अनिंदा ने क्या उनको पता है? ठीक है हमें, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, थोड़ा बाहर जाना है मुझे। मैं आ जाऊंगा अभी, थोड़े से पैसे दे देना मेरे को। कितने? ज्यादा नहीं, जितने आसानी से दे सको। हाँ मैं भी आता हूँ। काफी है? अब काफी है। प्रति मैं आ जाऊंगा ना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, और अगर देर हो गई तो रोने के मारे जाऊंगा। अलीपुर तक तो जा रहा हूँ बस, और क्या। हाँ ये ठीक है, बैंक में लोग कह रहे थे कि आजकल जवान लड़कों को यूं ही उड़ा देते हैं, लेकिन रोनू का इलाका सेफ है ना? वैसे अगर देर हो गई ना माँ, तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। जा जानती ना थी, फिर रोकते कैसे उसे, और फिर जानबूझकर थोड़ी ना कोई अपने बिटुआ को मौत के मुंह में झोंकते। हुआ भागे तो हम रहे दीदिया, जो इन आखन के सामने सब लहूलहान हो गए और हम रोक ना सके। उस रात क्या हुआ मैं सब जानना चाहती हूँ। कौन
आधी रात को का काम है? अरे काम वाम बताते, बाहर निकलो। क्या बात है, अपना नाम तो बतलाइए। अरे नाम पूछता है, बाहर निकलो। ये तो मदन मुखर्जी की आवाज लगती है। अरे बाहर निकाल इन गुंडों को, नहीं आग लगा दूंगा। अपने अटल बाबू, बात का है बतलाइए ना अटल बाबू। निकाल, निकाल। बस्ती के सारे गुंडे हैं, पुलिस भी होगी बिना वर्दी के। अरे सुनवा, निकल बाहर, असल बाप का बेटा तो आओ मैदान में। अरे अरे भागिया चल गए। मैं पहले जाऊंगा, जब तक वो लोग मुझसे निपटे तुम लोग भाग लेना, तुम्हें से एक ना एक तो बच जाएगा ना। देखो व्रति, अब कुछ नहीं हो सकता, हम में से कोई नहीं बच पाएगा, सब लोग साथ चलते हैं। हाँ हम सब साथ चलेंगे, बहस मत करो। देखो वो लोग घर को फूंक डालेंगे, मासी माँ, तुम्हारे पापा, बहने, सब लोग हमारी वजह से। देर मत करो, अब कोई रास्ता नहीं। देखो व्रति, नो आर्ग्यूमेंट्स, मैं पहले जाऊंगा, वो लोग मुझे पहचानते नहीं है, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम सब भाग सकते हो, पर कोशिश करना। अरे प्रति, विजय तुम मत, कोई बाहर नहीं आएगा। वाह, भद्रलोक का भी एक नमूना है। बहुत हिम्मत है भाई। साले नक्सल कुत्ते। Woo!
इन आंखों के सामने सब कुछ हुई गवा और आप भी बस देखते रहे बस। फिर पुलिस घसीट के ले गए। तुहार बिटुआ का चेहरा दिल से हटता नहीं दीदिया, वो यहां काहे आया? जिनके पास कछु ना हुए उनका दिमाग तो पगला ही जाता है, लेकिन उनका दिमाग काहे फिरा? का उनको कोई समझात नहीं का? प्रति का जन्मदिन था अगले दिन सुबह 17 तारीख को। इक्कीसवां वर्ष शुरू हो जाता उसका। सोमू की मां कम से कम ये जानती है कि सोमू ने जो किया, क्यों किया, कैसे किया, पर प्रति तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सोचा मैं समझ नहीं पाऊंगी, तुम्हें रोक लूंगी, मेरा मोह एक बाधा बन जाएगा तुम्हारे रास्ते में, इसलिए अपने मन का एक बड़ा अंश चुराकर दूसरों की झोली में डाला। दर्द हो रहा है? खास नहीं, पता नहीं क्यों तुम सहती रहती हो। पेल्विक प्रॉब्लम्स में आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं, झट से जाओ और करा लो। कराऊंगी बाबा, ऑपरेशन ही कराऊंगी। कब? तेरी शादी निपट जाए। शादी अप्रैल में होगी, तब तक यूं ही सहती रहोगी? एक नींबू पानी ले। अरे हेम क्यों लेके आएगी, मैं ला देती हूँ। घर में सब कुछ मैं ही तो देखती हूँ। हेलो, यस, जस्ट अ मिनट। मां तुम्हारा फोन। हेलो, हाँ हाँ, मैं प्रतीक की मां बोल रही हूँ। तुम कौन? ओ हाँ,
कब? हाँ हाँ मैं आ सकती हूँ, हाँ आ सकती हूँ 4 बजे के आसपास। हाँ मुझे वो जगह मालूम है। नहीं आज मैं बैंक नहीं जा रही हूँ, तुली की सगाई जो है। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी, मैं आती हूँ। हाँ ये सुबह सुबह किसका फोन था? किसका फोन था माँ? नंदिनी। नंदिनी? ओ उसका पता नहीं कैसा घर। सुबह से उठकर लगे रहो, किसी को कोई परवाह नहीं है। चाय के लिए नाश्ते के लिए कोई टाइम पर नहीं आएगा। और किसे आना है? ज्योति तो अब तक सोकर उठी है और तेरे बाबा जी उनकी बात नहीं आ रही है। मालिश वाले के जाते ही उन्हें दूध पहुंचा दिया था, तीन चाय ला और ये बिनी पूजा पाठ में लगी हुई। सब बकवास है, मेरा ढोंग। तेरी दादी भी तो सुबह शाम पूजा पाठ करती थी, मेरा मन नहीं लगता था। मैं तो सिर्फ जल और फूल चढ़ा देती थी। बीनी का विश्वास सच है। इंग्लैंड में पड़ी हुई है, 16 साल वहां रही। इतनी भक्ति कहां से आई मुझे नहीं पता। क्यों, जो विदेश में रहते क्या वो भक्ति नहीं कर सकते? भगवान पे जल फूल नहीं चढ़ा सकते? मां तुम नहीं समझोगी, उसमें कोई श्रद्धा नहीं है। और ये पूजा घर भी सिर्फ सजावट के लिए है, इंटीरियर डेकोरेशन। तू भी तो जाती है स्वामी जी के पास पार्क स्ट्रीट में। वो अलग बात है, दूसरों का विश्वास ढोंग और अपना सच, ये कौन सी बात हुई तुली? मां व्रती भी ऐसे ही करता था, दूसरों के विश्वास का मजाक। व्रती ऐसा नहीं था, व्रती तुम सबसे अलग था। तुम और बिनी एक जैसे हो, अपने से बाहर की ताकत पर विश्वास रखते हो। व्रती अपने अंदर की ताकत पर विश्वास रखता था, पर किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। हाँ झगड़ा और बहस जरूर करता था। व्रती का विश्वास? मां व्रती ने कभी किसी चीज पर विश्वास किया ही नहीं। तुली मैं तुमसे व्रती के बारे में बात नहीं करना चाहती। व्रती का नाम लिया नहीं और तुम्हारा तो जैसे खून खौलने लगता है। किस कड़वाहट से अपने भाई का नाम लेती हो तुम? हेम ये नींबू पानी हटाओ और ज्योति को उठाओ, बहुत सारा काम है आज। लॉकर से गहने लेने भी मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं चली जाऊंगी। और शाम को घर पर तो रहोगी? हाँ आज व्रती का दिन है। इस दिन को तय करते वक्त तुम लोगों में से तो किसी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। स्वामी जी ने इसी दिन के लिए कहा था। और देखो टोनी के दोस्तों के साथ ठीक से मिलना। माँ प्लीज कम से कम आज के दिन। तुमने इस घर को मकबरा बना के रखा है, दादा तुम्हारे सामने मुंह नहीं खोल सकते और बाबा हरदम सर झुकाए चुप। माँ कोई भी फैमिली इस तरह के हादसे को छुपाने की कोशिश करती है। माँ प्रति जा चुका है। माँ उनके बारे में सोचो जो अभी जिंदा है, तुम्हारे साथ यहां है, उनका ख्याल करो। तू जीवन में बहुत खुश रहेगी तुली। आओ आओ भीतर आओ। बकुल पानी दे दीदी को। आओ आओ। ये अरे बच्चों के लिए। ले दीदी ने दी है। अब तो सिर्फ पानी ही दे सका थे।
समूह का बाबा का चले गए, हालात तो और भी सख्त हो गए। बस घर के लिए एक चीज बेची के खाई रहे हैं बस। तुम हम लोगों का दर्द समझती हो तभी हर साल आती हो। अपना काक है, आंख है पर अंधी हो गई, देखो ना पांव तो है पर लंगड़ी हो गई। सचमुच ये बिटिया कहत रही है कि वो नौकरी ना मिली है, का है नक्साल की बहन जो ठहरी। सोमू की बहन है तो क्या हुआ, मैं प्रति की माँ हूँ और नौकरी भी कर रही हूँ। चान और चिराग कैसे उख सकते है दीदिया, तुम लोग बड़े लोग हो, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी पहचान, अखबार में सभी का नाम छपा है पर तुहार बिटुआ का कहीं नहीं है। अब जिनका नाम छपा है उनका तो घर बार सब बर्बाद हो गया है। जिनको मालूम ना था वो भी जान गया कौन को नौकरी से हटाना है कौन को रखना है। बस अब मैं ना किसी बड़े आदमी के पास पहुंच सकूं, ना पैसा है जो थमाए के किसी को अपनी बिटुआ को नौकरी दे सकूं। पार्थो, विजित, उनके घर की कोई खबर? तो सब बर्बाद हो गया दीदी, चारों तरफ उदासी ही उदासी हो गया। विजित का बड़ा भाई उसकी माँ को कानपुर ले गया, पार्थो की माँ तो बिचारी खटिया ही पकड़ ली। इन लोगों का कहाँ भरोसा है दीदिया? कौन लोग? वही जो समूह और प्रति को मारे हैं। अब इनको तो सजा कानून से कोई मतलब नहीं, कछु ना हुआ उनका, बस पार्टी बदल रही है। अब तो दिन दहाड़े बस्ती में सीना तान के घूमे हैं। बदमाश लोग हर पखत चाय की दुकान में खड़े रहे बस। अच्छा, ये बिटिया का कॉलेज बीच में ही रह गया, सारा दिन ट्यूशन करत है, छोटी को बुआ ले गई, और एक है। अब तो ट्यूशन के कमाई से पेट भरना सबका बहुत मुश्किल हो गया है दीदिया, पर का करे, फूटे कर्म है। समुआ होता तो कमाता, बहनों की शादी कराता। क्या समुआ समुआ करती रहती हो दिन भर, वही तो लात मारकर चला गया है हम सबको, उसी के खेल को भुगत रहे अभी तक। ए, कैसे बोलत है, है? देखो तो कैसी हो गई है। मैं चलूं? फूल सी बिटिया है, पता नहीं उसकी भाग में सिंदूर है कि नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो, उसकी शादी होगी, जरूर होगी। सच? मेरे को आशीर्वाद दो, उनको आशीर्वाद दो बिटिया, इस अभागी माँ की बिटिया को आशीर्वाद दो। बाबा को बोलना सब डेकोरेशन खुद कराए हो। बोदी बोदी प्लीज हरी आप। Thank you.
नमस्कार, मैं नंदिनी। यहाँ बैठिए ना। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। हमेशा की तरह आप लोग अनजान ही होते हैं, कभी कुछ मालूम ही नहीं होता। बस घटनाएं घट जाती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। इतना सब हो जाने के बाद नहीं लगता कि जानना चाहिए ये सब क्यों और कैसे होता है। अनिंदिया ने हमें धोखा दिया, वरना शायद पर व्रति को उस पर भरोसा था, एक अजीब सा भरोसा। शायद इसलिए कि अनिंद्या पहली बार नीतू के साथ आया था और नीतू हमारे ग्रुप का मेंबर था। अनिंद्या को पूरी तरह से हमारे ग्रुप में शामिल कर लिया गया। हेलो नीतू, व्रति बैठो। हाँ, मीटिंग शुरू करेगा। नंदिनी पहले रिपोर्टिंग गया? नहीं, पहले लालटू की। देखो, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे कुछ साथियों के मन में शंका है। शंका? कैसी? पार्टी प्रोग्राम को लेकर। अगर ऐसा है तो उस पर बात होनी चाहिए ताकि हमारे लीडर्स हमें समझा सके। पहले तुम बोलोगे? नहीं तो देखो, पिछले मार्च से हमने छोटे छोटे शहरों और कस्बों में फैलना शुरू किया है, क्योंकि हमारे लीडर के मुताबिक छात्रों को आंदोलन से जुड़ना चाहिए। हमने स्कूल कॉलेजेस और फैक्ट्रियों में भी लाल झंडा लहराया। हमने मांग उठाई कि एमएमए माओ के किताबों को पढ़ाए जाए। और जिन बुर्जुआ नेताओं ने हमारी फिलोसफी का विरोध किया उनके बुत भी तोड़े गए। राइट, मूवमेंट तेजी पर था, लोग जुड़ रहे थे। लेकिन तभी कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने फैसला किया कि हमें अपोज करने वाले हर क्लास एनिमी को खत्म कर देना चाहिए। एनिहिलेट। ये फैसला कुछ जल्दबाजी में नहीं लिया गया? जल्दबाजी? इसका क्या मतलब? ये तो पहले ही लिखा जा चुका है कि एनिहिलेशन ऑफ क्लास एनिमी मस्ट बी इंटेंसिफाइड। इसे रफ्तार पकड़नी ही चाहिए। फिर भी कहते हो कि ये जल्दबाजी है? नहीं तो तुम मानते हो कि ये जल्दबाजी है? जब हमारा आंदोलन गांव में था, गांव के गरीब भूमिहीन किसान मजदूरों को साथ लेकर, जो अच्छी तरह से चल रहा था, सडनली इस टर्न से सब कुछ बिखर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं मानता हूँ कि हमारा असली काम गांव में है, लेकिन उन्हीं गांवों से घिरा हुआ शहर भी तो है, कैसे छोड़ दें उसे? लेकिन क्या हमारा बेस यहाँ इतना मजबूत है? एनिहिलेशन का कैंपेन बिना मजबूत बेस का क्या मतलब? हमारा मतलब तो काम करने से होना चाहिए, ये बताने से कि हम उनसे डरते नहीं है। बेस अपने आप बनेगा या टूटेगा, जो है वो भी नहीं रहेगा। ये तो तुम समझ नहीं। एक मिनट, पार्टी का फैसला क्या था? यही ना कि जो पूंजीवादी हैं, पुलिस है या जो ब्लैक करने वाले हैं, उन सबको हम जड़ से खत्म कर दें, क्योंकि वो हमारे साथियों को खत्म कर रहे हैं। और ये हमारा दावा है कि अगर हमने उन लोगों को खत्म कर दिया तो शहर का हर गरीब हमारे साथ होगा। तुम जानते हो कॉम्रेड, हमारे हाथों से क्या हुआ? एक मामूली ट्रैफिक पुलिसमैन की हत्या। मैं तुम्हारा इशारा समझ रहा हूँ, गलतियाँ हो जाया करती हैं। ऐसी गलती? मुझे डर है इससे कलकत्ते का आम आदमी हमारा साथ देने से झिझकेगा। प्रति, हम भी तो गलतियाँ सहते आए हैं। उनकी जो राज करते हैं, जिनकी आंखों में हमारी औकात ढेले बराबर भी नहीं, मतलब हमारा मरना जरूरी है सिस्टम को जिंदा रखने के लिए। वो उस सबका बदला हम लेंगे एक मामूली से ट्रैफिक पुलिसमैन को मारकर। और उसे मारकर कौन सी विक्ट्री हासिल कर ली हमने? प्रति, वे भी कातिल है, क्योंकि कातिलों के साथ है, उनके अंडर है। हमसे दहशत खाकर ही वे हमारी तरफ आ सकते हैं, और वे लोग अगर अपनी जिंदगी चाहते हैं तो हमसे दूर हो जाएं और हमें अपना काम करने दें। लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट देकर वार्निंग इशू नहीं की गई थी? उसकी जरूरत भी नहीं थी। मैं की गई थी, तब तक काफी नुकसान हो चुका था, और अब पुलिस पूरी तरह से हमारे खिलाफ हो गई। पुलिस तो हमेशा हमारे खिलाफ रही है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे डर जाएंगे? इतने बुजदिल तो नहीं है आपकी? देखो आनंद, मैं यहाँ आया हूँ तो पीछे हटने के लिए नहीं, मरने को तैयार हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि जीत हमारी होगी। लेकिन इस तरह आइसोलेट होकर क्या हम जीत पाएंगे? छोड़ो, ये सब लाइन बदलने के बहाने हैं। सीधा साधा गणित ये है कि मुझे बोलने दो कॉमरेड, जो लोग ऐसा कहते हैं वे माओ और लिन प्याओ के रास्ते से भटक रहे हैं, हट रहे हैं वे। देखो, आवाज काबू में रखो, सोच कर बोलो। जल्दी नीतू,
पुलिस वहां कैसे पहुंची? वो जगह तो बिल्कुल सेफ थी। पुलिस के सीआईडी को भी तो अपना काम करना है। ये जगह सेफ है ना? बिल्कुल सेफ है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जादवपुर से कोई नहीं आया, दीघा से भी कोई नहीं आया। अगर उन्हें घेर लिया गया हो तो सेनगुप्ता ग्रुप इसी तरह खत्म हो गया, सबके सब अरेस्ट हो गए। मुझे लगता है उन्हें इमीडिएटली अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। इसका मतलब हमें उन्हें अभी आगाह करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, तो मैं उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। नहीं बल्कि अभी चले जाता हूँ। अरे तुम कैसे, अगर तुम पकड़े गए तो? पकड़ा गया तो बाद में देखेंगे। अनिंदे हमेशा जल्दी में क्यों होता है? रेस्टलेस सोल है वो, एक ग्रुप छोड़कर आया है ब्रति। अपना आइडियल ढूंढ रहा होगा। तुम्हें अजीब नहीं लगा डिस्कशन के बीच में एकाएक जाकर खिड़की पर खड़ा हो गया और फिर सिगरेट का धुआं? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि पता नहीं। तुम्हें अनिंदा पसंद है? एक तरह से ब्रति बहुत सीधा था, बहुत ही विश्वासी। उसने किसी को परखा नहीं, पूछताछ तक नहीं की। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए था। क्या? यही कि उनका भी अपना एक प्लान था हमारी तरह। जैसे हमारा एक मकसद था वैसे उनका भी। ये प्लान मकसद क्या है नंदिनी? हमें धोखा देकर खत्म करना, यही उनका मकसद था। पैसा, रुतबा, ताकत, इन सबकी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं, पर यही वो खूबसूरत इनाम है जिन्होंने उनको फुसला लिया था। उनको जो साथ तो आए पर सिर्फ दगा देने के इरादे से। ये जो चाह है कुछ पाने की, जल्दी से हासिल कर लेने की, इसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। वो क्यों नहीं आएंगे? लोग दोस्त बनकर आएंगे और वक्त आने पर दगा दे जाएंगे। इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं? एक हद तक कसूर है। शायद हम इस क्रांति की रौ में बहे जा रहे थे, हमें असलियत का अंदाजा नहीं रहा। आकाश की तरफ उठी हुई आंखें नहीं देख पा रही थी हमारी अपनी ही कमियां, गलतियां, राह से बिछुड़ती टूटती ये पगडंडियां। मारने वाला पीछा कर रहा था और उसे इशारा देने वाला वही जिसे हम अपने साथ लिए चल रहे थे। हम ये क्यों नहीं देख पाए कि सन 47 के बाद इस देश में ईमान नीलाम हो चुका है। कीमत मिलने पर कोई किसी भी तरफ झुकने से नहीं झिझकता। और हम सन रह जाया करते थे जब पता लगता था कि हमारे साथियों की मौत में कोई न कोई उसके करीब का शामिल था। बाप, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, लोग समझते हैं हमें हर मौजूदा चीज से नफरत है। पर शायद एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे कि बाहर से दिखने वाली नफरत के पीछे प्यार और विश्वास की कितनी प्यास थी। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है नंदिनी कि मैं तुम लोगों को समझ ही नहीं पाई। हाँ शायद आप नहीं समझेंगे। धोखा इतना और हमें शक करना सिखाया ही नहीं गया। जब शक करना सीखा और अपने तजुर्बे से सवाल किए तब जाकर कहीं खुद को संभाल पाए। नंदिनी जब शुरू में हमने पार्टी ज्वाइन की लगता था एक काला दौर खत्म हो रहा है और हम नई शुरुआत के पहले कदम हैं। ये तुम पर जचता नहीं कि मनाओ मातम, ये तुम पर जचता नहीं कि करो और दे। तुम्हें मिली है विरासत भीगी हुई साथियों के खून से सनी, गर्भवती जीत करती है इंतजार तुम्हारा। बोझिल समय का दबाव पड़ता कंधों पर गर्दन पर, अब उठो तोड़ दो चमकती सुबह के पाठ खोल दो। जब मेरा वक्त आ जाएगा नहीं सुनूंगा किसी का रोना, नहीं
तुम्हारा भी नहीं। जो रोते हैं, आंसू बहाते हैं, दूर हो जाए। मैं यहाँ हूँ एक जंगली जानवर सा, अपने साथियों से कटा, गोलियों से मेरी चमड़ी छिल जाए, पर मैं चलता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा अपने घाव और दर्द लिए, करता रहूंगा वार, करता रहूंगा वार, जब तक न मिट जाए भूख और दुख। अब न करूंगा परवाह, मुझे जीना है हजार साल, हो जाना है अनंत। अब वो नंदिनी नहीं रही, एक अरसा बीत चुका है, उन दिनों की मैं मर चुकी, इसलिए कि प्रति नहीं रहा। हाँ, प्रति नहीं रहा और भी कितना कुछ नहीं रहा। ऐसे मत कहो नंदिनी, आप और मेरी माँ दोनों की एक सी बात है, आप नहीं समझ सकती, क्योंकि कभी एक ही मकसद के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया ही नहीं आपने। सच है, हमने कभी ऐसे जिया ही नहीं, आपने मान लिया, कम से कम आप सच से भागती नहीं। प्रति कहता था आप बहुत ईमानदार हैं। प्रति ऐसे कहता था? क्यों, आपसे नहीं कहा कभी? उसकी बातों से तो लगता था आप उसके बहुत करीब हैं। मैं कुछ लेकर आती हूँ, बस दो मिनट। छिपा हुआ है ये धोखा, एक साजिश की तरह। जेल की दीवारें और ऊंची हो रही हैं, हजारों आदमी हजारों औरतें वहां कैद हैं, पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए एक लफ्ज कहने को तैयार नहीं। धोखा, और हमारे लिए बोलता कौन है? बड़े बड़े रिएक्शनरी ऑपर्चुनिस्ट, ताकि लोगों की नजरों में हम और गिर जाएं। कितना धोखा, पत्र पत्रिकाओं में लेख छप रहे हैं, पहले पंक्ति में हमसे हमदर्दी का दावा करते हैं, और आखिर तक पहुंचते पहुंचते हमें कोई गुमराह पीढ़ी साबित कर देते हैं, जो सनसनीखेज हादसों की तलाश में एक रोमांटिक सफर पर निकल पड़ी है। नंदिनी, हमें तो अंदाज ही नहीं था कि आज भी, अब भी ये सब हो रहा है। आप सोचती हैं गिरफ्तारियां बंद हो गई सिर्फ इसलिए कि अखबार चुप है? जिसे लिखा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, क्या वो रुक गया है? कहां क्या रुका है, किस लिए रुकेगा? ना, कुछ खत्म नहीं हुआ, सब चल रहा है, घट रहा है, एक चुप्पी की आड़ में। 16 से 40 तक की एक पूरी पीढ़ी खत्म कर दी गई है, एक ऐसी पीढ़ी जिसने गरीब के लिए हथियार उठाया, भूमिहीन के लिए खेत मांगे और दबे हुए के लिए मुक्ति, पूरे तंत्र को बदलने की हिम्मत थी जिसमें, वो पीढ़ी जिसने एक सपने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं उससे, प्रति से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। I too soon shall die, fall silent and then virtually side by side they will place us. You under letter P, me under M. Who will be between us, sharing our society? In poets, my country is far from well. It's harmful to daydream. Reveries serve no purpose. We each have a job to cope with, though it's a bore. Life may surprise you though, and at what seems worthless, you find you grasp great things.
प्यार था मुझे, उसने बताया था तुम्हारे बारे में। सच? 16 जनवरी उसी शाम जब वो सोमू के घर गया था। कितनी अजीब बात है कि इसके पहले नहीं बताया आपको। मुझे मालूम था कि अगर घर में वो किसी को कहेगा तो सिर्फ आपको, उसे और किसी पर विश्वास नहीं था। हाँ, व्रती घर में सबके बहुत करीब नहीं था। कितना खाली खाली लगता है। मैं उसकी माँ, उसे चाहती थी, फिर भी कितना कम जान सकी उसे। आपने कोशिश की? इस रिश्ते में भी कोशिश नंदिनी। खून और खानदान एक हो जाने से ही हम एक दूसरे के तो नहीं हो जाते ना। मन एक ना हो तो फिर रिश्ता ही क्या। आप प्रति को ही लीजिए, उसके और उसके बाबा के बीच कोई ऐसा तार नहीं था जो उन्हें आपस में जोड़ सके। उसके बाबा के बर्ताव से वो बहुत डिस्टर्ब रहता था। कहता था बाबा मेरी माँ को एक पायदान की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये कहा उसने? अपने बाबा को लेकर बहुत गुस्सा था उसमें। एक बार तो उसने उन्हें धमकाया भी था, आप तो जानती है ना। नहीं, कब? तुम मेरे साथ मित्रा के घर क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती तुम? मैंने जब कह दिया था ना। अरे भाई, कोई नया प्रोग्राम तो नहीं बना रहा? कोई भी ब्राइड से साड़ी पहन लो, चलो बस मेरे साथ। मैं ब्राइड साड़ी नहीं पहनूंगी। तो फिर कोई सिंपल साड़ी पहन लो, मगर चलो मेरे साथ। हिम, तुम अंदर जाके ले। तुम जानबूझ कर ऐसा करती हो, वो मेरे क्लाइंट्स, तुम मेरी पोजीशन का कोई ख्याल नहीं रखती। ठीक है, मैं अकेला चला जाता हूँ। एंड प्लीज, यस आई विल गो अलोन, प्लीज। अब ये सब नहीं चल सकता। क्या नहीं चल सकता? आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। माँ की पहरेदारी कर रहे हो। वो सब रहने दीजिए बाबा, आप जहां जाते हैं वो मैं भी जानता हूँ। इसे खत्म कीजिए, माँ को पसंद नहीं, उन्हें दुख होता है। अपने बाबा से बात करने का ये तरीका है? माँ के साथ दुर्व्यवहार बंद कीजिए बाबा। जब व्रती अपने घर के बारे में बात करता तो लगता जैसे दो व्रती, दो अलग आवाजें बोल रही हैं। एक में रोष और छटपटाहट होती। इस घर में मैं रहता हूँ, यानी कि जो मेरा घर कहलाता है, वहां मेरे लिए कोई जगह नहीं है। दादा और बहनें तीनों बाबा के भक्त हैं, जिन्हें अपनी आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता, अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बाबा को दूसरी औरतों से फुर्सत नहीं है, और मेरी बड़ी बहन, उसके तो अफेयर ही खत्म नहीं होते। और छोटी इतनी उलझनों और अटकलों की गुत्थी है कि उससे बात करना मुश्किल है। और दादा, दादा तो जरूरत पड़ने पर किसी को भी बेच खाए, मेरा तो दम घुटता है वहां पर। सिर्फ आप, उसे आप ही से प्यार था। जो ही आपकी बात करने लगता उसकी आवाज कोमल हो जाती। आपका बहुत ख्याल रहता था उसे। तुम्हें ऐसा लगा? माँ बहुत अच्छी है, ज्यादा समझती नहीं है, पर मैं उन्हें समझाने की कोशिश जरूर करता हूँ। उलझी हुई बातें वो पकड़ नहीं पाती, लेकिन मुद्दे की बात क्या है उसे वो झट छू लेती है। और इस घर में वो बहुत अकेली है, डरता हूँ कुछ होने का। जब मैं छोटा था तो देखता था कि बाबा उन्हें कैसे डांटते हैं। मन हुआ कि उन्हें एक ऐसा शॉल लेकर दूं जिसमें बड़े बड़े शेर के चित्र बने हुए, खुले हुए दांत, तने हुए पंजे, ताकि दूर से देखकर बाबा डर जाएं। क्या व्रती, वो जब भी आपके बारे में बात करता लगता जैसे आपको बचाना चाहता हो, आपके पति से, घर के और लोगों से। आपको इतना चाहता था कि शायद इसीलिए वो घर नहीं छोड़ पाया। घर नहीं छोड़ पाया? क्या मतलब? उसे तो घर पर रहना ही नहीं था, वो तो पहले ही चला जाता, पर शायद आप ही का सोचकर कुछ दिनों के लिए टालता रहा।
लेकिन 19 जनवरी की सुबह हमें हर हालत में कलकत्ता से रवाना होना था, वो मैं और हमारे कुछ साथी। अगर अनिंद्या धोखा ना देता तो वो निकल जाता, पर आपको बुरा ना लगे इसलिए 17 तारीख को वो वहीं रह जाना चाहता था। उसका जन्मदिन था ना, सिर्फ मुझे मालूम था। आपके लिए तो शायद बहुत ही खास दिन हुआ करता था। प्रति के लिए बर्थडे वगैरह सब बेमाने हो चुका था, उसे सिर्फ आपका खयाल था। मैंने ही उसे जकड़ रखा था, उसके प्यार की मेरी भूख नहीं उसे। उस रात को नहीं रुकता तो सोमू क्या नहीं जाता, सोमू क्या नहीं जाता, मैं जिम्मेदार हूं नंदन, मैं जिम्मेदार हूं। आप अपने को दोष मत दीजिए, जहां हमें जाना था, जहां कैंप था, वहां भी तो कुछ भी हो सकता था। फिर भी लगता है नहीं मासी मां, आप क्यों अपने आप को जिम्मेदार समझती है? बात एक ही है, अनिंद्या का धोखा, ब्रति की हत्या की वजह वही है। अनिंद्या एक ग्रुप से अलग होकर आया था और उसके आने की वजह अब साफ नजर आ रही है। पहले यह तय हुआ कि सोमू और बाकी के साथ ही बस्ती चले जाएंगे और फिर फैसला बदलना पड़ा। दरअसल ये फेर बदल कभी कभी बहुत महंगे पड़ जाते हैं। उस शाम सोमू के पास अनिंद्या को भेजा गया ये कहने कि वो लोग बस्ती में ना लौटे। उसको इतना करके ब्रति को फोन पर बताना था, इसीलिए ब्रति पूरा दिन घर पर इंतजार करता रहा। हेलो। और अनिंद्या ने सोमू से कुछ नहीं कहा, उससे मिला तक नहीं। वो बस्ती गया जरूर, पर उन्हें खबर देने जो हमारी ताक में थे। जब मुझे पता चला कि सोमू और बाकी साथी बस्ती जा चुके हैं तो मैंने ब्रति को फोन किया और वो पार्टी ऑर्डर्स का इंतजार किए बिना उन्हें आगाह करने चला गया। हाँ मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। उसी सुबह मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। नंदिनी मित्रा, पिता सूर्य कुमार मित्रा, पेशे से वकील, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्पोर्ट्स डिबेट और राइफल शूटिंग में इनाम हासिल। तो नक्सल गुंडों से बहुत दोस्ती है आपकी, अय्याशी का खास शौक है। 5 तारीख को आप कहाँ थे? कलकत्ता में। सच? जी। नहीं मिस नंदिनी मित्रा, 5 तारीख को आप कलकत्ते में नहीं थी। मुझे लगता था आप लोग झूठ वगैरह नहीं बोलते, और वैसे भी झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। 5 तारीख को आप खड़गपुर से दिखा गए, वैसे जाना था आपको देवला। वहां जाकर आप लालटू के साथ मिलकर कार्डर की ट्रेनिंग करने वाली थी, गांव के कुछ गुंडों को बंदूक चलाने में ट्रेनिंग भी देने वाली थी। देवला के लिए आप बस पकड़ने ही वाली थी कि संचयन ने आकर खबर दी, पुलिस हर बस में घुसकर तलाशी ले रही है। तो आपने हाईवे पर ट्रक रोका और कलकत्ता वापस लौट आए, ये सच है ना? नहीं। अगर आप वापस लौट नहीं आए तो दूसरे दिन दोपहर को नीतू पॉल के मीटिंग में मौजूद कैसे थी? मैं किसी मीटिंग में नहीं गई। मैं नीतू के ग्रुप को अच्छी तरह से जानता हूँ, विजित, सोमू, पार्थो। मैं किसी को नहीं जानती। पर मैं जानता हूँ, आप अपने नक्सल गुंडों के हथियार रखती हैं, उनके पोस्टर्स लिखती हैं, कालीघाट से जाधवपुर और जाधवपुर से कालीघाट संदेश पहुंचाती हैं, और अब तो आप पाइप गन बनाने भी सीख रही हैं नीतू और अनिंद्या के साथ। अनिंद्या? हाँ अनिंद्या, अच्छा लड़का है बेचारा, अपने देश और सोसाइटी की भी सोचता है, वफादार है। खैर, आप पार्टी में कैसे आई? कौन लाया आपको पार्टी में? कोई नहीं। आप जानती हैं, आपकी इस ढिटाई की कीमत आपके माँ बाप को चुकानी पड़ेगी, और वैसे भी आपके सभी कॉमरेड्स अब हमारी मदद कर रहे हैं। क्यों, आप क्या सोचती, वो बिक नहीं सकते? मालूम नहीं।
आप बहुत बोर करती हैं। नहीं नहीं मालूम नहीं। चलिए आपके साथ एक गेसिंग गेम खेलते हैं। ये कौन है? ठीक है मालूम नहीं। वैसे ये सोमू है। देखिए आप इस फोटोग्राफ को पहचानते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स। आपने बता ही दिया कि आप बिजीत को भी नहीं पहचानते। देखे आप पार्थो को पहचान पाती हैं या नहीं? एक फोटोग्राफ और भी है, पता नहीं आप इसे पहचान पाती हैं या नहीं। हो सकता है शायद जानती भी हो। नहीं नहीं, आप प्रति चटर्जी को नहीं पहचानते? नहीं नहीं पहचानते? नहीं, मैं प्रति चटर्जी को नहीं पहचानती। क्यों? इसके साथ कोई खास रिश्ता था क्या? लिसन यू वॉर, अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो कुछ नहीं था। यहां से कोई भी सीधी टांग वापस नहीं जाता। इसके नाखूनों में सुई आ चुभोई। हाँ सर। कुछ बोली? वो सो चीकी अफेंट हो गई। अ फेंट हार्टेड कॉलेज गर्ल। बास्टर्ड, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग हार चुके हो नंदिनी, अब हम एक एक करके तुम लोगों को ढूंढ निकालेंगे और कत्ल करेंगे, क्योंकि तुम जैसे क्रिमिनल्स के साथ यही होना चाहिए। अब जो तुम फोटोग्राफ देख चुकी हो तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे लवर के साथ क्या हश हुआ है। दे आर डेड डेड डेड। अब जो कुछ भी मैं पूछूंगा उसका सही जवाब दो। यू बास्टर्ड, यू बिच। ये तो सिर्फ शुरुआत है। दरवाजा खोलो, ले जाओ इसे, और इस रंडी के लिए कमरा खाली कर दो। और सुनो, 12 नंबर को बुला दो, साथ में 27 और 22 को भी। उनको कह देना अगर ये फेंट हो जाए तो इसे पानी मारकर जगा दे। और हां, 12 नंबर को बोल देना कि वो उबला हुआ गरम अंडा न भूले। नक्सल बाड़ी जिंदाबाद। प्यार, विश्वास, एक सपना, आप इन्हें लिए चलते हैं और फिर जेल, उनकी पूछताछ, घंटों आंखों पर पड़ती बल्ब की तेज रोशनी, वो लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। तब आप खुद को पूछते हो, खुद को टटोलते हो, ढूंढते हो और पा लेते हो। एक तरह से मैं बिल्कुल नहीं बदली, सिर्फ जानने लगी हूं कि हमें दूसरे तरीकों से भी लड़ना होगा। कुछ भी हो लड़ते रहना होगा। लड़ाई से फर्क पड़ता है, हालात बदलते हैं। मैं सख्त हो चुकी हूं। आप जिसे आम जिंदगी कहते हैं उसे जीने की इच्छा नहीं है मुझमें। सिर्फ इसलिए नहीं कि अब व्रती नहीं रहा, होता तब भी क्या होता, शादी कर लेती या नहीं भी करती, पता नहीं। कहते हैं वक्त सब कुछ भुला देता है, तो क्या मैं भी व्रती को भूल जाऊंगी? क्या उसका चेहरा धुंधला पड़ जाएगा? ये सोचकर ही मुझे डर लगता है। मुझे भी, आपको भी। पता नहीं उसे मैं भूल जाऊंगी कि याद रखूंगी।
इतनी सब यादों का होगा क्या? पर प्रति अकेला नहीं गया, और भी कितने लोग थे। ये सब हुआ किस लिए? जब मैं जेल से निकली तो जानती है किस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई मुझे? बताओ नंदिनी। ये देखकर कि सब कुछ जैसे ठीक ठाक है, सरकारी भाषा में नॉर्मल, चारों तरफ ये हवा थी कि काला दौर खत्म हो रहा है, मैं तो हैरान रह गई। वैसे पहले से तो शांत है ना? नहीं 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 नहीं, मत कहिए ये सब। कभी शांति थी ही नहीं और ना ही कभी हो सकती है। पुलिस के मुर्दा घर की खामोशी है ये, खून से लथपथ लाश पर बिछी हुई एक रेशमी चादर है ये। शांति नहीं है माशी माँ, ये शांति नहीं है। I'm sorry. Nandini? I'm really sorry, beta. आगे का क्या सोचा है? क्या सोचूं? पैरोल पर बाहर हूं, इलाज के लिए। इलाज? बाई आंख काफी खराब हो चुकी है, 1000 वाट की चुभती रोशनी इसे सहन न हुई, पर दाई आंख से फिर भी देख लेती हूँ। मैं आपको पूरी तरह से देख तो नहीं सकती, पर महसूस होता है, जान लेती हूँ कि दूसरे के मन में क्या है। जेल की कोठरी के कोने में पड़े पड़े दिमाग कैसा पहना हो जाता है। इलाज से ठीक हो जाओगी बेटा, और फिर पता नहीं, 2 साल की कैद और टॉर्चर के बाद मैं किसी से नहीं जुड़ पाती, पर इतना साफ है कि मैं लड़ूंगी, कुछ ऐसा करूंगी जिससे फर्क पड़े। शायद आप एक दिन सुने कि मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे मत कहो नंदिनी, आज आपकी छोटी बेटी की सगाई है ना? मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी तुमसे मिलने। नहीं नहीं, क्या करेंगी आकर? क्या मिलेगा आपको? जो बीत गया है उसमें कब तक जिएंगी? ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं आऊंगी, तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, सोमू की मां से मिलने नहीं जाऊंगी, जहां जहां व्रती है वहां नहीं जाऊंगी, शायद यही मेरी सजा है। व्रती को न जानने की सजा नंदिनी, अपना अपना सॉलिटरी सेल। तुम आ गई आखिर।
नींबू पानी ला के देना। लाई माँ। क्या मजाक तुम्हें, कहाँ रह गई थी? जानती हो ना कितने लोगों को घर पर आना है आज? मालूम है। तो फिर इतनी देर से आने का मतलब? सारी तैयारियां हो चुकी है, नीपा है, तुम घर पर हो और सारी चीजें तुम्हारी देखरेख में हो रही है, तो बात को बढ़ाने का मतलब? मैं बढ़ा रहा हूँ? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी देर से आने का मतलब क्या है? तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई? तुम इसी वक्त इस कमरे से चले जाओ, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि तुम इतनी देर तक कहां भटकती रही? ये कहना मेरा अधिकार है। नहीं। क्या 30 साल तक मैंने तुमसे कभी ये पूछा कि दफ्तर के बाद शाम को तुम कहां जाते हो, किसके साथ बिताते हो? 10 साल से शहर से बाहर जाते रहे, किसे साथ लेकर जाते हो? उस औरत के मकान का किराया क्यों देते हो जो तुम्हारे दफ्तर में टाइपिस्ट है? सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा। तुम्हें भी मुझसे पूछने का हक नहीं होता, कभी नहीं। ओह गॉड, क्या टाइम निकाला है ये सब कहने के लिए? आज ही का दिन सूझा है क्या? जी हाँ, यही वक्त है, यही समय है। चले जाओ यहां से। देखो सुजाता। चले जाओ। ये लो माँ, साफ कर लाई। मुझे नहीं लगाना है सिंदूर। माँ, माँ ये क्या कह रही हो? जानती हो हिम, एक दिन व्रति ने मुझसे पूछा था, माँ तुम इतने समय से, इतने सालों से अपना फर्ज कैसे निभाए जा रही हो? और मैंने कहा था बचपन में यही सिखाया गया है, अब तो आदत सी पड़ गई है। घर घर और ये घर, 24 घंटे ये घर, कभी इसके लिए कभी उसके लिए, कभी कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कोई बुरा ना मान जाए, कोई चीज टूट ना जाए, कुछ बिखर ना जाए। हर पल मैंने इस टूटे हुए घर को संभाला है और पल पल करके कब मेरी जिंदगी फिसल गई मुझे पता ही नहीं चला। बेकार, एकदम बेकार। और इसी में मैंने प्रति को भी खो दिया। आज के दिन नहीं है, अब मैं ये सब नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन लेकिन माँ को अपना फर्ज तो निभाना ही होगा ना। Amazing, just amazing. San Francisco एयरपोर्ट पर मैंने स्वामी जी को देखा और तुम विश्वास नहीं करोगे मिसेस चैटर्जी, मेरे सिर से पांव तक यू नो एक बिजली सी दौड़ गई। रोम रोम में there were waves and waves of energy. फिर मैंने देखा स्वामी जी के सिर के पीछे there was
यू नो एक ज्योत, एक फ्लेम, प्रकाश था, देयर वाज अ हेलो ऑफ लाइट जो धीरे धीरे बढ़ता गया, चारों ओर बस प्रकाश ही प्रकाश. आई वॉज फिल्ड विद द ब्राइटनेस ऑफ अ थाउजेंड सन्स. वैसे ही स्वामी जी अपने प्राइवेट जेट में फ्लाई कर रहे थे. उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, हमारे पास आओ, मायामी में आकर मिलो. और इतना कहकर वो चले गए. मतलब सोचो, मिसेस चैटर्जी, उनको कैसे मालूम हो कि मैं मायामी जा रही हूँ. सच सी, उस दिन से स्वामी जी मेरे गुरु बने. वैसे अमेरिका ने उन्हें यू नो पहचान लिया बराबर, ठीक विवेकानंद की तरह, राइट. बट अभी इंडिया में, भारत में धीरे धीरे मान मिलता जाएगा. सलाखों में कैद जिंदगी और निसीम शमशान, खून से नहाया मुर्दों भरा जहान. मेरा वतन नहीं है, मेरा वतन नहीं, भूखों है मरता जहां, खुद अन्नदाता किसान, मजदूर जहां मुफलिस, लाचार बेकाम, हर मंच पे खड़े कातिल देते हैं भाषण जहां. मेरा वतन नहीं है, मेरा वतन नहीं. मिसेस कपाडिया, मीट मिस्टर जोशु मित्रो. मेरी वाइफ मिसेस मोली मित्रो. इसके बारे आप स्वामी जी के बारे में बात कर रही हैं, और बताइए ना उनके बारे में. अरे स्वामी जी वो तो स्वयं भगवान हैं. मैंने उन्हें जब टोनी और तुली की शादी के बारे में बताया तो एकदम गहरे ध्यान में लीन हो गए, यू नो डीप मेडिटेशन. हम तो देखते ही रह गए. आंख खुलने पर बोले, जनवरी की 17 तारीख सगाई के लिए पक्की कर दो. और मालूम है और क्या बोले, बोले वो लड़की शी इज अनहैप्पी, वो उदास है, उसके घर पर मनहूस साया फैला है. ऐसा कहा उन्होंने? हाँ हाँ, लेकिन उपाय भी बताया. अमेरिका जाने पर टोनी और तुली को वो कुछ फूलों के बीज देंगे जो उन्हें घर के आसपास बोने हैं. वो दिया. माँ कब से मिसेस कपाडिया के साथ है, जाओ देखो ना कहीं वो. सुजाता, तुम्हारे अपने गुरु कहाँ है आजकल? मेरे कोई गुरु नहीं. क्यों? वो थे ना जिनके वहाँ वो जाते थे, रोनू और व्रती, अपना हाईस्कूल रिजल्ट जानने के लिए. ओ हाँ, वो क्या लक्ष्मेश्वर मिश्रा. हाँ. तुली की दादी उन पर बहुत विश्वास किया करती थी, कुछ कुंडली वगैरह बनाते थे. आप तो जानती हैं ना इनका छोटा बेटा व्रती. एक्सक्यूज मी मिसेस कपाडिया. मैं जान सकती हूँ मिसेस चैटर्जी, आपको कितनी तकलीफ होती होगी. तुम्हें स्वामी जी के उपदेश जरूर सुनने चाहिए, यू नो ऐसी सिचुएशंस के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा है. आज उसका दिन है मिसेस कपाडिया, आज ही के दिन 2 साल पहले वो. ओहो अच्छा, वो लड़का प्रति मुझे तो कभी नहीं भाया और उसकी बात का भी कोई भरोसा नहीं था. जिस दिन वो घर छोड़ के गया, मालूम है क्या कहा था उसने? कहा कि मैं तो रात को रोनू के साथ रहूंगा, जैसे कि हमारा बेटा रोनू उसका बड़ा दोस्त हो. दो साल का मातम. Now I do not want to sound insensitive, but और वो मानती नहीं कि उनका बेटा नक्सलाइट. शायद मिस्टर चैटर्जी को मालूम नहीं रहा होगा. नहीं धीमान, शी न्यू एवरीथिंग. बल्कि वो तो खुद उसकी मदद करती थी. जब डीसीपी सरोजपाल ने मुझसे पूछताछ की, तब जाके मुझे पता चला कि असली मामला क्या है. अच्छा उसने तुम्हें शूट नहीं कर दिया. Well, I am sorry. लेकिन ये मजाक वाली बात नहीं है. आप लोगों को शायद मालूम नहीं कि घर वालों पर क्या बीतती है अगर ये मालूम चल जाए कि घर में कोई नक्सलाइट है. सरोजपाल इज राइट, दे आर क्रिमिनल्स, दे शुड बी वीडेड आउट एंड फिनिश्ड. क्यों, फ्रीडम का पासपोर्ट मिल गया? शादी का मजा शादी के बाहर ही है दीदी, कम से कम आज के दिन तो. मिस्टर कपाड़िया, पुलिस ने बहुत मेहनत की. क्यों पर न भी करते तो भी ऐसी मूवमेंट का फ्यूचर क्या है? 4 लड़के बंदूक लेकर निकल पड़े तो क्या दुनिया बदल जाएगी? बेचारे मिसगाइडेड थे, बड़ी बड़ी बातों में आ गए. अरे भाई ऐसी मार काट किसे पसंद है,
आज हम पर हाथ उठाएंगे तो कल को अपने ही साथी को काट डालेंगे। और देखो ना, ऐसा ही हुआ ना, आपस में लड़ भिड़ कर फिनिश हो गए। मिसेस कापड़िया, धीमान इज अ वेरी वेल नोन पोएट, अ रेवोल्यूशनरी पोएट। ओह, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू। धीमान की कविता व्रति और उसकी पीढ़ी को समर्पित है, श्रद्धांजलि है। बहुत अच्छा, दैट्स रियली मार्वेलस। उनके अलावा किसी और चीज पर लिखा भी कैसे जा सकता है। स्नैक्स है ना अभी? हाँ हाँ, देख रही हूँ। अच्छा सुनो, हस्बैंड ही सब कुछ है? जू भाई, पसंद नापसंद रहती है, ये पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। फिर देखो, डरना मत कभी, मैं तो चोरी छिपे करने में बिली भी नहीं करती। बहुत जोर से दर्द उठा ना मैं। विमान के लिखने का जवाब नहीं। वाह, जेल में पड़े 20,000 नौजवानों पर क्या खूबसूरत आंसू बहाए। पर इसका भी मजा देखिए, जब मूवमेंट चल रहा था या जब दमन हो रहा था, विमान मौसाई का ध्यान बांग्लादेश पर रखा। बांग्लादेश जब सब कुछ खत्म हो गया, डरने की जरूरत नहीं रही, जाकर इनका नहीं नहीं दीवान के साथ इतनी सख्ती ठीक नहीं। इनकी तो चार लाइनें पढ़कर लगता है कि महसूस करके लिखा है। ऑफ कोर्स, कौन नहीं जानता है दीवान महसूस करके लिखता है। बहुत कम लोग जानते हैं दीवान एक बासी कवि है जो दूसरों से चुराता है। खुद ने भोगा नहीं, वो किस बूते पर अपना लिखे। मेरा भाई मारा गया तब कहां थे ये, किसके लहंगे में छिपे बैठे थे। मुझे सब पता है, भला इन्हें बता दिया है मुझे। भाई को लेकर तुम्हारी खुद की क्या हालत थी? भूल गई? उसका नाम सुनते ही नजरें झुक जाती थी तुम्हारी। कौन कहता है? मैं कह रहा हूँ। तुम ही पीछे पीछे पड़ते थे, व्रति का नाम ना लिया करो, ये ना किया करो, वो ना किया करो। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हाँ, तुम्हें डर लगता था ना? मेरे अलावा तुम्हें और भी कोई घास डालता था? झूठ, एकदम झूठ। झूठ बोलते हो तुम मेरे साथ, तुम इस तरह बात नहीं करोगी। करूंगी, तुम झूठ बोलते हो। Don't raise your voice now. I will. तुम जाओ, जाके चिल्लाओ, शोर मचाओ, बहुत अच्छा मौका है। लेकिन मैं तुम जैसी तीन तरह की बाजारू औरत के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। हमें दीपा माँ, हमें इन झगड़ों में बहुत मजा आता है। तो फिर अपने घर जाके किया। माँ वो अंदर नहीं आना चाहता शायद। ये क्या बात हुई? मैं सुना मैं जाके बुला लाती हूँ। माँ बैठो ना, मैं रिक्वेस्ट करके बुला लूंगी। नहीं बेटा, टोनी का खास दोस्त है, तुली बुरा मान जाएगी। अच्छा मैं भी साथ चलती हूँ। एक काम करो, अंदर से एक मिठाई का डब्बा लिया, अगर ये आना ना चाहे तो बाहर दे देंगे। ठीक। नमस्कार मिसेस चटर्जी। आप अंदर नहीं आएंगे? नो थैंक्स, मैं जरा जल्दी में हूँ। जरा सी देर के लिए भी नहीं? ना, मैं ड्यूटी पर हूँ। टोनी और कुली ने बहुत जिद की, इसलिए मैं चला आया।
उन दोनों को मेरी तरफ से बधाई जरूर दीजिएगा। हाँ जरूर, कम से कम ये तो लेते जाइए। I'm sorry, मैं ले नहीं सकता, मैं ड्यूटी पर। सिर्फ मिठाई है शगुन के लिए हमारी तरफ से। थैंक्स, चलता हूँ। गुड नाइट मिस्टर शगुन। चलो तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। चलो बिनी, तुम जाओ। समीर नहीं है, आंखें नहीं है, प्रति ने इसीलिए अपनी जान दी थी कि गली सड़ी ये लाशें हर सुख हर खुशी को पाती रहें। क्या सब कुछ इन्हीं का है? दुनिया की सारी कविता सारी सुंदरता इन्हीं के लिए? ये कभी नहीं बांटेंगे किसी के साथ। क्या दुनिया इन्हीं के हवाले छोड़ के चले गए? इन्हीं के लिए उन्हें बेवक्त मौत मिली? झूमती चमकती पथरीली लाश, क्या आखिरी फैसला ही है? अपेंडिक्स फट गया। ज्योति, सुजाता, हेलो, यस, जी हाँ, मैं मिसेस चैटर्जी बोल रही हूँ। आप कौन?
कहां से बोल रही हो? हमारे घर आओ। ठीक है, सेंटर में मिलोगी 11 बजे? मैं वहां 10 बजे से ही चली जाती हूं। ठीक है, और सुनो, तुम्हारी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। किसका फोन था? नंदिनी का, रति की दोस्त हुआ करती थी। अच्छा, मैं तो उससे कभी मिला ही नहीं। मुझसे मिलने आ रही है दफ्तर में, ठीक 11 बजे। उसे घर बुला लो। वो यहाँ कैसे आएगी बाबू? उसके पास इतना टाइम कहाँ? उस पुलिस वाले को लेकर कोर्ट जो लड़ रही है। तुझे ये सब कैसे मालूम है? क्यों नहीं, जो माँ को मालूम वो सब मुझे मालूम। और बाबू, आज डॉक्टर को दिखा दो, सुबह सुबह से बहुत खांस रहे हो। तुम्हारी कटिंग्स तैयार है। थैंक यू। ये नंदिनी क्या मुकदमा लड़ रही है? सरोज पाल के साथ बहुत टॉर्चर किया था उसे। चलो, आज मैं तुम्हें सेंटर छोड़ दूंगा, नंदिनी से भी मिल लूंगा। उसे बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा क्यों लगेगा? नहीं, पता नहीं वो क्या। बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, तुम रति के बाबा हो। चलो, वो ठीक 11 बजे आ जाएगी। थी कि तुम सरोज पाल के खिलाफ कोई मुकदमा लड़ रही हो। जी, इसी सिलसिले में कलकत्ते आना होता है। वैसे मैं ट्राइबल्स के साथ काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। जब मैं बैंक से रिटायर हुई, सोचा कुछ करूँ जिससे लोगों को फायदा हो, तो नीतू ने सुझाया कि इसी सेंटर से यहाँ से क्यों नहीं काम शुरू कर देते। तब से यही। तुम तो नीतू को जानती होगी। जी, मैं नीतू पॉल। प्रोफेसर नीतू पॉल, व्रति के बाबा। ओह, नमस्कार। नमस्कार। कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है, काफी गांव ऑर्गेनाइज हो गए हैं, पर ऑपोजिशन भी बहुत है। वो तो होगी। तुम्हारी लॉयर मिली थी, कह रही थी कि फाइनल आर्गुमेंट शुरू हो जाएंगे 2 हफ्तों में। हाँ, यहाँ से मैं मिसेस सेन गुप्ता को ही मिलने जा रही हूँ। हम सबके लिए ये केस जितना बहुत जरूरी है नंदिनी। माशी माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए पटना भेजा जा रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं ना। मैं जल्दी निकलूंगा। बाय बाय। मैंने तो सोच लिया था तुमसे फिर कभी मिलना नहीं होगा, अपनी पहली मुलाकात के बाद। कितने साल पहले मिले थे हम नंदिनी? 23 बरस। 23 बरस। नंदिनी, तुम्हारे पति क्या करते हैं? मैंने शादी नहीं की। क्यों? मेरी माँ ने मुझे बहुत कहा, उन्होंने तो एक लड़का भी ढूंढ निकाला था, किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव था, और मुझसे शादी करना भी बहुत चाहता था। उन दिनों ये एक बहुत खास बात मानी जाती थी, मुझ जैसी लड़की से शादी करना, यू नो, गर्ल विथ रेवोल्यूशनरी पास्ट।
पर मैंने मना कर दिया। कभी अकेला महसूस नहीं होता? हाँ होता है, पर अपने काम में लगे रहो तो और कुछ याद नहीं आता। प्रति और मैं बहुत बहस करते थे। प्रति मजाक करता कि आइडियोलॉजी मेरे लिए जैसे एक रिलीजियस एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इंसान की टोटल प्योरिटी ऑफ कमिटमेंट में विश्वास करती थी। और वो कहता था कि लोगों को अपने साथ लेकर चलो, अगर उनको अलग कर दिया तो फिर हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। जब से ट्राइबल्स के साथ काम शुरू किया है, महसूस हो रहा है कि प्रति कितना सही था। अगले हफ्ते प्रति का जन्मदिन है, मुझे याद है। पहले मैं सोचती थी कितना अजीब है, प्रति के जन्म और मरण की तारीख एक ही है। अब ऐसा नहीं सोचती, अब तो 17 जनवरी प्रति का जन्मदिन है यही याद करती हूं। अब मैं चलूंगी, मुझे वकील से मिलना था। इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू, मैं तुम्हें तुम्हारे वकील के पास छोड़कर आता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी, यही पास में है। नो आई इंसिस्ट। ओके थैंक यू। नंदिनी कुछ भी हो जाए, जिंदगी में फिर से प्यार करने की क्षमता कभी नहीं खोना चाहिए बेटा। प्रति और एक हत्या हुई आज, राह चलते खुलेआम सबके सामने। नीतू तुम्हारा साथी जो पिछले कई सालों से मेरा भी साथी था, उसे दो हत्यारों ने गोलियां दागकर मार डाला। वो सिलसिला
हत्याओं का जिसकी तुम पार्थो सोमो विजित कड़िया हो रुका नहीं चल रहा है तमाम कोशिशों के बावजूद, पर कोशिश भी थकी नहीं। नंदिनी और नीतू के साथ मैं भी इसमें शामिल हूं। एक गम को सीने से लगाकर नहीं, अरमान को अपना बनाए हुए। तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती अब, तुम्हारे सपने की साझेदार हूं मैं, एक साथी, कॉमरेड, दोस्त। जितना आगे बढ़ती हूं उतना ही तुम्हारे पास सरक आती हूं, और तुम मेरे। जिंदगी से लंबा एक धागा है जो हम दोनों को बांधता है, जोड़ता है। बेइंसाफी के खिलाफ जब जब कुछ देखती हूं, समझती हूं, करती हूं, तब तब तुम्हारा ही कोई नया पहलू नजर आने लगता है। मैं फिर तुम्हें जन्म देती हूं और हर बार नया पाती हूं, सौ सौ बार तुम्हें नया और अपना।